डिजिटल मीडिया के दौर में गुलकारों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, मगर क्या हर गाने वाला मौसीकी की खिदमत भी कर रहा है, या ऐसे गुलकारों से म्यूजिक इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो रही है? ये जानने के लिए इस वक्त मोइन जुबैर, जो कि इस वक्त शाम 84 घराने से तारुफ रखने वाले गुलकार रफाकत अली खान के हमरा मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब जानते हैं। जी मोइन जी, बिल्कुल। आज लाहौर में मारूफ म्यूज़िक कंपनी है EMI, उनकी तरफ से जो म्यूजिशंस हैं, शौरा हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें रॉयल्टी चेक जो हैं वो तकसीम किए गए। इन चेक्स की तकसीम यकीनन काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मुल्की म्यूज़िक इंडस्ट्री को जिन लोगों ने इस मुकाम तक पहुँचाया है उनको अप्रिशिएट करना यकीनन हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। आज जिस शख्सियत की हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनके ख़ानदान ने भी पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को, बल्कि बरेसगीर की म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस मुकाम तक लाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। शाम 84 घराने से इनका ताल्लुक है। उस्ताद रफाकत अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि सर, मुल्की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आप क्या समझ रहे हैं कि नौजवान जो अब आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो डिजिटल मीडिया अब आ चुका है, उसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री की खिदमत हो रही है या म्यूज़िक असल में आउट हो चुका है? देखिए जी, मैं एक नेगेटिव सोच वाला बंदा नहीं हूँ मैं, तो क्योंकि इसलिए एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है, द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि अब म्यूज़िक इतना आम हो चुका है कि वो ख़राब भी हो गया है, उसकी जो शक्ल है असल वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। लेकिन मैं इसलिए खुश भी हूँ, इन अदर वे पुट्स इन अदर वे, तो उसमें मुझे ये लगता है कि लोग बजाय वायलेंस की तरफ जाने के, पिस्टल हाथ पकड़ने के बजाय गिटार पकड़ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और एक जो रियलिटी शोज़ हुए हैं बहुत सारे हमारे मुल्क के अलावा भी, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, उस रियलिटी शो की वजह से लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। उस डेवलपमेंट के अंदर लोगों को ये तमीज़ आई कि असली और सही म्यूज़िक का फ़र्क पता लगा उनको। जैसे आज कव्वाली इंडस्ट्री जो है वो इतनी आगे चली गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह नुसरत अली खान साहब है, और लोगों का सूफी म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्ट भी है, चाहे वो कोई ज़्यादा कव्वाली गाने वाला या कम गाने वाला हो। क्योंकि आपके पास तो फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, वो जो ड्रामे कराची में एक ख़ास सेक्टर में चलते हैं उसके पीछे दो चार OST होते हैं, जो वो कभी कभी हिट भी हो जाते हैं, वायरल भी हो जाते हैं, उसको आप मौसीकी नहीं कह सकते, वो एक सिचुएशनल सिंगिंग है। मौसीकी एक इंडिविजुअल काम होता है, वो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन फिल्म का होता है। जैसे आप इंडिया की फिल्म में गाएँ तो आपको 1 करोड़ रुपया भी लोग दे देते हैं कि आप देखें इतना बड़ा, और फिर इंडियन फिल्म में गाने के बाद आप एक फैशन भी बन जाते हैं कि हमने रात को फलाने बड़े आर्टिस्ट को बुलाया था, और वो फैशन के तौर पे उसको 5-10 करोड़ पकड़ा भी देते हैं, क्योंकि नाम चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो सीरियस म्यूज़िक है वो तो होता है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो तो होता है सीखने से, करने से, फिर आगे बंदा बढ़ता है। तो दो लाइन्स हो जाएं, तू मेरे खरम मैं फिरे हजम तेरे गुन गोरे ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। जज़ाकअल्लाह। और रफाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, म्यूज़िक इंडस्ट्री को सर्व करने वाली ये शख्सियत, यकीनन इनके जो अल्फाज हैं वो आने वाले जो सिंगर्स हैं जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं और गाने को पसंद करते हैं उनके लिए ये अल्फाज यकीनन। बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर, आपने रफाकत अली खान से सुबह सुबह हमारी मुलाकात करवा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।